सर आपका नाम? सर कुलदीप राज। कुलदीप, क्या परेशानी आ रही है जिसका राज सर, ये परेशानी ये आ रही थी कि इस आज से पहले ना बड़े आराम से सभी लोग आ रहे थे जा रहे थे, कोई इशू नहीं था। एक पास बनता था वहाँ से, वो सभी बनाते थे, उसके रिगार्डिंग वो चले जाते थे। लेकिन आज इन्होंने फाइनल कर दिया कि जो लोग भी जहाँ से जाएंगे वो सबका टेस्ट होगा। लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम सबको क्रिएट हो रही थी कि दो तीन घंटे लाइन में लगते थे, तो डेली वेजेस वाले थे, किसी के घर में काम करने जाना तो वो टाइम पर जा नहीं सकते थे। तो कुछ मैटर्स थे जिनके ऊपर क्लियरेंस नहीं थी, तो इसलिए जो सारे लेबर वाले ये डिसीजन लिया कि इसको जो भी हुआ कि प्रशासन तक इसकी आवाज़ पहुँचाते हैं और अपना काम करवाते हैं, अपनी बात मनवाते हैं। तो वही हुआ, सबने ये बताइए पहले में और अब में क्या फ़र्क है? पहले फॉर्म भर के जाते थे, अब टेस्ट के लिए बोला जा रहा है। कल से फाइनल किया वो तो टेस्ट का किया था, लेकिन अभी ये जो डेली जाने वाले लेबर वाले बंदे हैं, जो फेरी वाले बंदे हैं, जो डेली इनका आना जाना है, उनके लिए हमारी प्रशासन ने ये बात मान ली है कि वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लगाएंगे, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अलग से लगाएंगे और एक टेस्ट आरटीजीएस टेस्ट है वो हमारा जरूर करवाएंगे। वो जैसे टेस्ट करवाएंगे उसकी रसीद मिलेगी, वो दो दिन तक जा सकते हैं। जैसे रिपोर्ट आएगी उसके बाद हमारा पास बनेगा, पास 10 दिन का या 15 दिन का बनेगा, वो अकॉर्डिंग टू द प्रोसेशन होगा। वो तो ये बात सभी को स्वीकारी है, क्योंकि ऐसा हमें यही प्रॉब्लम थी कि आने जाने में कोई दिक्कत ना आए, तो वो हमारा सॉर्ट आउट हो गया, इस वजह से सारा कुछ नॉर्मल हो गया। मेरा नाम विकास ठाकुर है और मैं यहीं का लोकल सुजानपुर का रहने करने का यही मकसद था कि डेली हम यहाँ से जाते हैं यहाँ से, और हमें डेली यहाँ से प्रॉब्लम का यही फेस करना पड़ता कि मेडिकल करवाओ, दो दो तीन तीन घंटे मेडिकल में लग जाते हैं। लखनपुर में जो आज से शुरू हुआ, पहले नहीं था, वो पहले नहीं था, जो आज से शुरू हुआ कि यहाँ पे मेडिकल करवाया जाए, ठीक है जी, जिसके कारण हमें ये दिक्कत आ रही है कि हम दो तीन घंटे डेली मेडिकल करवाएंगे, मेडिकल करवाने के बाद जो लेबर है जो डेली दो तीन घंटे वेस्ट करेगी वो लेबर टाइम पे काम पे नहीं पहुंच पाएगी। काम क्या करते हैं हम? हमारा काम लेबर का है सर, हमारा शटरिंग का काम है। कहाँ पे?
कठुआ में, बिल्कुल सर, पानी ही है इसी कारण हम सभी ने आज रोड ब्लॉक किया है। अगर लेबर का बंदा डेली, मैंने आपसे यही बात कर रहा हूँ बार बार कि अगर 3 घंटे 2 घंटे हम मेडिकल की लाइन में लगे रहेंगे तो लेबर कब टाइम पे पहुँचेगी। और हमारी अभी इनके प्रशासन के साथ बात हुई है, उन्होंने ये बात कही है कि हम अपना मेडिकल कहीं से भी करवा के यहाँ पे सुबह लखनपुर आके चेक करवाएं, चेक करवा के वो हमें एक आधार कार्ड के, हमारा आधार कार्ड साथ में लगेगा उसका देखेंगे आइडेंटिफाई करके और वो हमें जाने देंगे। ये उन्होंने हमें आश्वासन दिया है लेबर क्लास को, ठीक है जी। और मैं मुकेश, मैं सुजानपुर से हूँ सर। मेरे कहने का मतलब है, जैसे जैसे J&K में पहले भी जा रहे थे, पहले भी डेली इतने फॉर्म भरते थे, हजारों लोग तो हैंड लगाते थे, तब किसी को कोरोना नहीं हुआ, तब किसी को कोरोना नहीं हुआ। हमारे पंजाब में भी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हजारों लोग J&K से पंजाब आ रहे हैं। हमारी सरकार कितने की टेस्ट करवा रही है J&K सरकार के? हमारे पंजाब वालों को क्यों प्रॉब्लम आती है J&K जाने में? क्या J&K सरकार अलग सर लेबर का काम करती है जी? लेबर का काम करते हैं सर, कहाँ पे काम करते हैं? कठुआ में करते हैं सर, सभी लेबर ही करते हैं सब, कोई की फैक्ट्री में लगा हुआ है, किसी ने दुकान डाली हुई है, कोई किसी के पास काम कर रहा है। समस्या क्या आई है? समस्या से जी कठुआ यहाँ टेस्ट करवा के जाओ, समस्या से जी है, टेस्ट क्यों करवाएं? हमारे पंजाब में कितने टेस्ट हो रहे हैं सर? हम करवाएंगे टेस्ट, करवाने कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर टेस्ट करवाने की सर प्रॉब्लम ये है कि बोल रहे 48 घंटे का टेस्ट, वो इतने करवा सकते हैं, हम अपना पठानकोट से करवा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है टेस्ट करवाने में, हमें कोई प्रॉब्लम है हम करवा सकते हैं। लखनपुर में क्या दिक्कत है? अगर सर लखनपुर दिक्कत यही है, जैसे डेली जाते थे वैसे हो जाए, आशा तो जो भी इनकी हो आशा तो करनी चाहिए, जब हम पब्लिक को कहते थे पब्लिक परेशान होती है, जगदम भी करनी चाहिए पब्लिक को, पब्लिक परेशान होती है। तो आज आप लोग ड्यूटी नहीं गए कोई? कौन गया सर? कितने लोग हैं आप लोग यहाँ से? सर कमरे 1000+, 1000+ फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री में सर कोई फैक्ट्री कर रहा है, कोई कारपेंटर का काम करता है, कोई शटरिंग का करता है, कोई मिस्त्री है, कोई किसी की दुकान पे काम करता है, कोई दिहाड़ी लगाने जा रहा है, सब काम करते हैं सर। क्योंकि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, उसको देखते हुए जो हमारे लखनपुर में जो व्हीकल्स हैं उनकी चेकिंग थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, और हमारे जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं, जो कोई भी अगर पैसेंजर व्हीकल का यूज़ कर रहा है तो उसको कंपलसरी टेस्टिंग की जा रही है लखनपुर में। इसी तरीके से अगर जो लोग LMV से ट्रैवल करते हैं उनके लिए भी, जो लोग कठुआ के या फिर जो है बाहर की नंबर प्लेट की गाड़ियाँ हैं, दूसरे स्टेट की नंबर प्लेट की, पंजाब नंबर प्लेट की गाड़ियाँ हैं, और जो लोग कठुआ के रहने वाले हैं उनका टेस्टिंग, इसके अलावा रामबन जो लोग जा रहे हैं, जो लोग पुंछ जा रहे हैं, रजौरी जा रहे हैं, जो लोग डोडा जा रहे हैं, किश्तवाड़ जा रहे हैं, इन 6 डिस्ट्रिक्ट की टेस्टिंग लखनपुर में की जा रही है, और जो बचे हुए 4 डिस्ट्रिक्ट हैं सांबा, जम्मू और रियासी और उधमपुर, उन 4 डिस्ट्रिक्ट की टेस्टिंग जो है वो सांबा में ठंडीकुई में की जा रही है। सर जिला की बात करें तो बहुत सारे देखिएगा, सेम अटल सेतु पर भी सेम ही गाइडलाइन जो कि हम लखनपुर में यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर भी सेम ही गाइडलाइन यूज़ की जा रही है, और जो भी गाड़ियाँ बाहर से आ रही हैं उनको टेस्टिंग उनकी प्रॉपर जो है, जो भी उनमें यात्री हैं उनके रेड टेस्ट और उसमें से कुछ लोगों का RT-PCR टेस्ट भी किया जा रहा है। केवल उसी पर्सन को एग्जेम्पशन दिया जा रहा है अगर कोई RT-PCR की 48 आवर्स की अगर कोई अपनी टेस्ट रिपोर्ट लेके आता है तो इन दैट केस ही उस पर्सन को एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। सर बहुत सारे जो लोग हैं पड़ोसी राज्य से यहाँ पर काम के लिए आते हैं सर, आज उन्होंने 2 से 2.5 घंटे लखनपुर में सर जाम भी किया था, उनका कहना है कि उनको पासेज इशू किए जाएँ, क्या उनके लिए सर? देखिएगा इसमें अगर कोई भी डायरेक्शन होगी जो है वो जितने भी जो ऊपर से जो डायरेक्शन होगी उसी को फॉलो किया जाएगा। इन द एंड हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कोरोना से अपने जम्मू एंड कश्मीर को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग दें। सर उनके डिसाइडेड एज पर दी जो कंसल्टेशन में जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन होगी उसी को फॉलो किया जाएगा।